ओवैसी को पता नहीं है, ओवैसी को पता नहीं है। आज आरएसएस प्रमुख भी कह रहे हैं, आज क्या, अरे वो तो शुरू से ही कहते आए हैं कि भैया एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अरे ओवैसी, कम से कम आरएसएस को समझ तो लो, आरएसएस को जान तो लो, आरएसएस को पढ़ तो लो। आपने आरएसएस को ना समझा, ना जाना, ना देखा और ना ही पहचानने का काम किया। भाई साहब, जो लोग आज जातियों में बांटने की बातें करते हैं और जो मोदी जी एक तरफ जातियों को ख़त्म करके एक हो एक है तो सेफ है का नारा देते हैं, ये चीज़ आरएसएस शुरू से करती जा रही है। एक बात बताइए, आरएसएस की शाखाओं में कभी किसी की जातियाँ नहीं पूछी गई? आरएसएस की शाखाओं में सामने वाला, अगली पंक्ति वाला कौन सा व्यक्ति है, किस जाति का है, हमें नहीं पता। लेकिन हमको ये पता रहता है हमारा धर्म एक है, हमारा बिंदु एक है, हमारा इतिहास एक है, हमें जातियों का पता नहीं। क्योंकि जो लोग जातियों में बांटने का काम करते थे, जो लोग जातियों में बांटने का काम करते थे, आरएसएस आज की नहीं, आरएसएस 90 साल हो गए, उन्होंने तो शुरू से ही एक है तो सेफ है का नारा दिया है और इस पर सदा ही वो काम करते आए हैं। इसलिए आज मुझे गर्व होता है कि मैं संघ का एक स्वयंसेवक हूँ और मुझसे कभी किसी संघ के अधिकारियों ने मेरी जातियाँ नहीं पूछी। लेकिन आज के नेता, आज के तथाकथित नेता जिनको देश की जनता नकार चुकी है, वो जातियाँ पूछने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, क्या विचार रखते हो? जी बिल्कुल, बहुत सही है। ये जो बटोगे तो कटोगे, ये जो है ये समाज की एक बुराई को खत्म करने के लिए बोला गया। हम लोग गलत सोचते हैं कि यहाँ पे हिंदू बट गए जातियों में तो मुसलमान काटेंगे एक दिन, ये गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ, सेफ रहना जरूरी है, एक रहना जरूरी है। ये कहीं ना कहीं समाज की जो कुरीतियाँ चलती है, तू ब्राह्मण है, अरे मैं तो डोम हूँ, मैं तो आपके घर जा नहीं सकता, वो उसको घर में मंदिर में नहीं, पहले हमारे इतिहास में मंदिर में घुसे नहीं जाते थे। तो ये समाज में जो है ये कुरीतियाँ जो फैल रही है, एक होनी चाहिए। डायरेक्ट समाजवादी पार्टी कह रही है कि टारगेट किया जा रहा है समुदाय को लेकर उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है? नहीं, ये तो सही है ना, हम तो हमेशा से बटे हुए तो कटे हैं, तो आज हमको एक होना है ना, तो ये सही है, हम तो इसका समर्थन करते हैं पूरा। ये गलत कैसे? अगर ये गलत होता तो वो सीएम की कुर्सी में बैठे हो तो उनको भी लगता तो ये गलत, ये बोलते ही नहीं, वो बोले तो कुछ उसके पीछे का कुछ बात होगा, कुछ उसका कुछ रहस्य होगा, सही है। अरे पत्रकार महोदय बड़े भोले हैं यार, जब इस लाल किले से कहा जा रहा था देश के संसाधनों पर एक समुदाय कहा गया, तब आप लोगों की आंखें बंद क्यों हो जाती है? तब आप लोगों का जवान क्यों सील जाता है? तब ये माइक किस बिस्तर में छुपा के रख देते हो, आपको बताने में शर्म आती है। लेकिन जब हिंदुत्व को एक होने की बात आती है, अब कह रहे बटोगे तो कटोगे, एक राजनीति नारा है। अभी मेरे भाई ने कहा कि छोटे जातियों को, डोम को, चमार को मंदिर में घुसने से रोक दिया जाता था। क्यों? क्योंकि जातियां कुरीतियां थी, कुप्रथा मचाई जाती थी, और मोदी जी ने यही तो कहा और मैंने संघ का उदाहरण यही तो दिया। 10 साल शासन कर लिया आप, 10 साल शासन कर लिया, सुन लो, नहीं पता चला, आज पता चला। मैं जिस संगठन का कार्य करता हूं, मुझे गर्व है मेरे संगठन पे। आज तक उसने मुझसे मेरी जातियां नहीं पूछी। मैं उस संगठन से आता हूं जिसने सदा एक रखने का, एक रहने की सलाह दी, जिसने सदा देशभक्ति की अलग जगाने का काम मैं हमेशा मन के भीतर किया साहब। यही आप लोगों को यही तो जलन होती है। नहीं, जुड़ोगे जीतोगे ये गलत है। अगर जुड़ के जीत लिया जाए कोई चीज तो ये कहां से गलत हो गया? अगर बटोगे कटोगे नहीं गलत है तो जुड़ोगे जीतोगे कहां से गलत हो? हरियाणा में जब ये लोग बांटने चले थे, खटाखट योजना का लाभ देने चले थे, जब उत्तर प्रदेश के धरती पर बांटने का पूरा प्रोग्राम सेट हो गया और जब हरियाणा ने की जनता ने दिखा दिया हम बटने वाले नहीं, जो बांटने वाले थे वो जाकर बट गए। अब नारा देते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे, अब वो कांग्रेस के ऊपर लाल आके दिखाने का काम करते हैं, जुड़ जाओ नहीं तो मोदी आ जाएगा। उनको डर है, उनको भय है कि अगर आज नहीं जुड़े, अगर आज एक नहीं हुए, अगर आज गठबंधन नहीं किया तो हर राज्य में मोदी की सरकार होगी और यही हो रहा है। मोदी की, अरे सर, मोदी की सरकार जहां आती है वहां रिपीट होती है, क्योंकि मोदी जी विकास के ऊपर चर्चा करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास की योजनाएं लाते हैं। जहां उनकी सरकार होती है समोसे पर चर्चा होता है। एक रहेंगे सेफ रहेंगे की जरूरत क्यों पड़ गई? जो बंदा कहता था कि
सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विकास कहाँ चला गया? एक रहेंगे सेफ रहेंगे कि क्या जरूरत? सबका साथ सबका विकास, अगर ये नहीं होता तो एक कैंप से आज मोदी जी 16 एम्स बनाने का काम नहीं करते। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 5 एम्स दिया, यही है सबका साथ सबका विकास। आज जो दरभंगा में एम्स ढूंढ रहे थे, आज जाकर खुली आंखों से देखो दरभंगा की धरती पर एम्स बन रहा है। जो लोग पूर्णिया में एयरपोर्ट को ढूंढ रहे थे, जाकर देखो एयरपोर्ट बन रहा है। जो लोग कहते थे सबका साथ सबका विकास, जब मोदी जी शौचालय देने का काम करते हैं तो पूछिए इनसे जातियां नहीं पूछी होगी, पूछिए उनसे धर्म नहीं पूछा होगा। मोदी जी ने देश की कुरीतियों को खत्म किया, जिस पर विकास नहीं होता था केवल ड्रामा होता था, वहां विकास पहुंचाने का काम किया। जब सड़कों का निर्माण हो रहा था, मोदी जी ने अगल बगल ये नहीं देखा कि कौन सा गांव है, कौन सी बस्ती है, कौन सी जातियों की बस्ती है। वहां पर मोदी जी ने आंख बंद करके सड़कों का जाल बिछाया, मोदी जी ने रेलवे की पटरियों को बिछाने का काम किया। ये नहीं देखा किस जगह वो पटरियां जा रही है, हिंदू बस्ती में जा रही है कि मुसलमान बस्ती में जा रही है। हर जगह सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र यही होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बुलडोजर चलाओ, लेकिन बता के चलाओ, नोटिस लगा के चलाओ। जिन्होंने आपके घर को हड़पा है, जिन्होंने सरकारी जमीन को हड़पा है, एक बात बताइए मोहित खान के किस क्षेत्र में बुलडोजर चला? उस क्षेत्र में जहां उन्होंने सरकारी जमीनों को हड़पने का काम किया, जिस नदी को जिस तालाब को हड़पने का काम किया, वही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां नोटिस चस्पा करो और उसके बाद बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट भी आज सरकार के साथ खड़ी है और न्याय के साथ, न्याय संगत के साथ न्याय देने का काम किया। उन्होंने यह भी कहा अधिकारियों से कि उसूल लेंगे, अपने घर से उसूल के दोगे अगर अनलीगल, और अगर सत्ता के दबाव में एक समुदाय विशेष को टारगेट करके अगर बुलडोजर लीगल नहीं चलाने का काम करते हैं। जब विकास दुबे के महल पर बुलडोजर चलता है ना, तो इसलिए चलता है क्योंकि विकास दुबे ने भी कई जातियों के, गरीब जातियों के, गरीबों के घर को हड़पने का काम किया था, इसलिए चलता है।